नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। हमारे साथी अभिषेक प्रजापति जी पूछ रहे हैं कि Q118 को वेज करने पर डीजे को BP2 डीजे से क्लोज क्यों किया जाता है। आइए इस वीडियो में इस कारण को देखते हैं। नमस्कार साथियों, जैसे अभिषेक प्रजापति जी ने पूछा है कि Q118 को वेज करने पर ये जो डीजे क्लोज करते हैं वो BLR डीजे से क्लोज नहीं करके BP2 डीजे से क्यों करते हैं। फिर ऐसा ही क्वेश्चन मुझे एक अन्य व्यक्ति ने भी पूछा था कि C105, 106, 107 को जब वेज करते हैं तो डीजे को BP2 डीजे से क्लोज क्यों करते हैं। तो इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप BP2 डीजे से ही क्लोज करो, BLR डीजे से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक व्यक्ति यहाँ से Q118 को, अच्छा दूसरी बात, ये वेज करने वाली बात भी गलत है। वेज करने पर BP2 डीजे से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेज कर दिया फिर BLR डीजे से ही करना है, BP2 डीजे से पता नहीं, हो सकता है। देखो ऐसा है कि कई रेलवे में अलग अलग, थोड़ा बता देते होंगे, जैसे कई रेलवे ऐसे ऑपरेशन 1 2 3 इस प्रकार सिखाते हैं, फिर BP चार्जिंग कॉक को LNT चार्जिंग कॉक बोलते हैं। हमारे वेस्टर्न रेलवे में BP चार्जिंग कॉक बोलते हैं और हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ट्रबल को बोल के ही सिखाते हैं, यानी कि ऑपरेशन 1 2 3 नहीं बताते। तो हर एक रेलवे में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ये बताया कि उन्होंने Q18 को वेज करने पर इसको BP2 डीजे से क्लोज क्यों करना, तो नहीं करने की जरूरत है, BLR डीजे से कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और फिर यहाँ पे एक बात ये आती है कि जब Q118 को आप मैन्युअली ऑपरेट करते हैं तब हम BP2 डीजे से करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि देखो TR पैनल पे ही Q118 लगी हुई है और TR पैनल पे ही BP2 डीजे लगा हुआ है। तो यहाँ से Q118 को दबाया, उधर BP2 डीजे को 3 4 सेकंड तक दबा के छोड़ दिया, तो VCB क्लोज हो जाएगा फिर बाद में उसको अपन ने। और Q118 को हम सारी ऑक्सिलरी सारे ब्लोअर चलने के बाद छोड़ते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग व्यक्ति को ऑपरेशन नहीं करना पड़े, एक ही व्यक्ति दोनों काम कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि वहीं से BP2 डीजे के द्वारा क्लोज कर दीजिए। बाकी आप उस समय भी जब Q118 को मैन्युअली करते हो तो भी आप वहां जाके BLR डीजे से भी क्लोज कर सकते हो। दूसरी बात, जब भी हम किसी कॉन्ट्रेक्टर को वेज करते हैं, जैसे C107 को वेज कर दिया, तो हम क्या करते हैं कि C107 का जो आइसोलेटिंग स्विच है HVRH, उसको 0 या 3 पे रख के डीजे क्लोज कर लेते हैं। कई जगह ऐसा भी सिखाते हैं कि अगर आपने C107 को वेज कर दिया है तो HVRH को 0 या 3 पे नहीं रख के आप Q118 को मैन्युअली करेंगे। तो हम लोग ऐसा Q118 को मैन्युअली नहीं कराते हैं, स्विच को 0 3 पे रख दो, फिर बाद में VCB क्लोज हो जाए, बाद में उसको नॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि BLVMT तो ओपन ही है, तो आप उस स्विच को नॉर्मल कर सकते हैं। खाली सप्लाई बनाने के लिए उसको 0 या 3 पे रख देते हैं, बाद में नॉर्मल कर देते हैं। Q118 को मैन्युअली करके भी VCB क्लोज कर सकते हैं, लेकिन Q118 ऑलरेडी सील्ड है तो काय को सील को तोड़ना, फिर रिले को ऑपरेट करना, ऐसा क्यों करें। स्विच तो बाहर ही लगा हुआ है तो वो ईजी पड़ता है, इसलिए उस ऑपरेशन से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाइए, क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियो मैंने टॉपिक वाइज रखे हुए हैं तो आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। इसी प्रकार आपका नॉलेज बढ़ाते रहिए, ट्रबल शूटिंग करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।